तो यार बारात तो पहुंच गई है दुल्हन के यहाँ, कच्ची रोड में आए हम आज की भी, और दो तीन दिन के बाद जो शादी है उसमें भी आना है। बहुत बड़ा गांव तो नहीं है, नए नए घर काफी बन गए, लेकिन आप हाँ जी गुड मॉर्निंग, एक और नए दिन नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गंगोली हाट से। आप लोग ये ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी ब्लॉग लोकेशन थोड़ी सी आप चेंज देख रहे होंगे, हरियाली सारा कुछ दिख रहा होगा, ये पेड़ पौधे गजब गजब नज़ारे। तो सुबह सुबह पहुँच गया था यहाँ नौतस घाटी, यानी कि बेरीनाग वाली रोड में एक रोड जाती है नीचे भुवनेश्वर को, एक जो बेरीनाग वाली रोड है उसमें थोड़ा सा आगे चलने के बाद गुप्तड़ी से थोड़ा सा आगे, तो नौतस घाटी। और आज यहाँ शादी वादी है तो ड्रोन बुकिंग को लेके एक बार फिर से नई जगह नए गांव में, नौतस घाटी तो आते जाते रहते हैं हम लोग इस साइड से, लेकिन पहली बार ड्रोन बुकिंग को लेके और शादी में भी पहली बार आया हूँ मैं यहाँ। बड़ी मस्त जगह है और जो लोग भी इधर साइड के होंगे उनको पता होगा नौतस घाटी कहाँ पे है करके। तो बस नौतस घाटी में एक तो नीचे वहाँ भी बोलते हैं जहाँ पे इनका मेन गांव है, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग यहाँ बस गए होंगे ना, तो ये वाली जगह भी बड़ी सुंदर जगह है यहाँ पे। और ठीक सामने यहाँ पे है दूल्हे का घर इस साइड। बस बारात निकलने की तैयारियाँ चल रही हैं, मैं पहुँच गया था यहाँ सुबह 9 बजे, तो व्लॉग की शुरुआत थोड़ा सा लेट हो रही है, छोटे छोटे क्लिप्स कुछ शूट किए थे अभी तक। और 12:30 बजे मुझे लग रहा है, टाइम कितना हो गया अभी, 11:41 हो रहे हैं, 12:30 तक जाएगी लगभग बारात, और 1-2 बजे पहुंचेगी क्योंकि नज़दीकी जाना है, 2:30 बजे तक पहुंचेगी क्योंकि धीरे धीरे जाना है, ड्रोन शॉट भी रहेंगे रास्ते में, तो सारा कुछ नज़दीक है, चौड़मुनिया साइड कहीं पे बारात जानी है। और स्पेशल बात यह है कि आज जिनकी शादी है दूल्हे की, एक दो दिन के बाद यानी 19 को फिर आप लोग हो सकता है व्लॉग लेट देखेंगे, लेकिन 19 को उनके छोटे भाई की भी शादी है तो उसमें भी आना है, उसमें भी ड्रोन बुकिंग है। और ड्रोन बुकिंग ये गर्वित फोटो स्टूडियो की तरफ से मेरे पास आई थी, यानी कि पप्पूदा की तरफ से। तो दोनों शादियों की, आज की भी और 2-3 दिन के बाद जो शादी है उसमें भी आना है, तो तैयारियाँ चल रही हैं, थोड़ी देर में बारात निकलेगी। बस जस्ट यहाँ पर ये वाला आपने देखा होगा ठीक यहाँ पर, वहाँ पे जहाँ पे गेट वेट लगा है ना, वहाँ से मेन रोड है गंगोली हाट वाला और इधर को गया बेरीनाग को। बहुत बड़ा गांव तो नहीं है, नए नए घर काफ़ी बन गए, लेकिन यहाँ पे 8-10 घर तो नए नए लग रहे हैं, सारे घर नए नए लग रहे हैं। दूल्हे का भी फ़ोटोशूट हमने यहाँ किया था ना, बड़ी सुंदर जगह है, एकदम गजब फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनी है यहाँ। फिलहाल दूल्हे का वही सब चल रहा है, वो जो पंडित जी बनाते हैं ना वाइट, वो सब चल रहा है, थोड़ी देर में निकलेगी बारात। घर पे ढोल वोल बज रहा है ना, थोड़ा सा साइड आ गया मैं, चलिए छत से कुछ शॉट ले लिए जाएं, उसके बाद फिर बारात की शॉट रहेंगे, थोड़ा सा गांव के शॉट।
तो एक साइड तो हो रही है बारात रेडी, दूसरी साइड ये सब चल रहा है। तो ये बारात पहुंच गई है रोड में, बस यहाँ से थोड़ा बहुत ही जाना है, थोड़ा बहुत भी क्या मतलब आधे एक घंटे का रास्ता है, बहुत ज़्यादा दूर जाना है नहीं। डांस वांस चल रहा है अभी, थोड़ा बहुत हम लोगों ने कच्ची रोड में भी जाना है, चौड़बुनिया वाली रोड में, फिर उसके बाद थोड़ा सा कच्ची रोड। दूल्हे का फिलहाल दूल्हे की गाड़ी के साथ फोटोशूट चल रहा है, बाकी बारात थोड़ी दूर तक पैदल पैदल, उसके बाद गाड़ियों में। मेरी बाइक भी आगे को सावन लेके गया है तो साथ साथ ही चल रहे हैं। हाँ आगे जाना है सीधे। धीरे धीरे करके काटना है इनको, कटेंगी तो इनको तो भी काटूंगा, कार में मेरी जाके शादी के दिन नहीं सुने तो। उसका क्या है, उसने चौड़बनिया वाली रोड में यानी कि रायगढ़ से लगभग 5-6 किलोमीटर आ गए, शायद हम 4-5 किलोमीटर तो आ गए होंगे। तो बारात पहुंच गई है अभी घर पे, और यहाँ कुछ खाने की व्यवस्था वगैरह सब कुछ यहाँ है, और ठीक सामने ऊपर पे यहाँ दुल्हन का घर दिख रहा है। तो यार बारात तो पहुंच गई है दुल्हन के यहाँ, कच्ची रोड में आए हम रायगढ़ से चौड़बनिया वाली रोड में, और दुल्हन के यहाँ पहुंच के बस शॉर्ट वॉट ले लिए हैं, और सोच रहा हूँ जल्दी निकलूँगा, बस एक बार आप लोगों को दूल्हा दुल्हन दुल्हन दिखा दूँ। दूल्हा तो दिखा ही दिया है, दुल्हन दिखा दें, ज़्यादा देर रुकूँगा नहीं, जयमाला तक थोड़ी देर। बाप रे बहुत गर्मी है इस क्षेत्र में। ठीक यहाँ पे से ऊपर को जो मैंने शॉट दिखाया आपको, यहाँ को है दुल्हन का घर। वैसे तो ऑलमोस्ट मेरा काम खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं कैसा है सीन। तब पता चलेगा तेरे को। अरे हम वैसे ही बेशरम हो गए, पता ही है मेरा प्लान क्या है ये। अरे जी 6 महीने 36